रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो पर मैं डॉक्टर सीमा केसरी जंतु विज्ञान विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची आज फिर रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स टॉपिक पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करूंगी। एक्वेटिक इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है जिसमें स्पाइरकल्स क्लोज्ड होते हैं। इनमें एपनियोस्टिक टाइप ऑफ ट्रैकियल सिस्टम है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स में स्पाइरकल्स क्लोज होने से दूसरे तरह के एडेप्टेशन डेवलप कर जाते हैं जैसे गिल्स और प्लास्ट्रॉन ऑक्सीजन इंटेक में मदद करते हैं। ये स्ट्रक्चर भी मॉर्फोलॉजी मोड ऑफ फंक्शन और टोपोग्राफी के हिसाब से कई प्रकार के हैं जैसे एब्डोमिनल गिल्स कॉडल गिल्स रेक्टल गिल्स स्पाइराकुलर गिल्स ब्लड गिल्स फिजिकल गिल्स और प्लास्ट्रॉन। अब हम एक एक की चर्चा करेंगे। पहला एब्डोमिनल गिल्स। ये लैटरल सेगमेंटल इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ के रूप में फॉलिएज लैमेली या फिलामेंट के रूप में होते हैं। गिल्स के अंदर बहुत सारे ट्रैकिया होते हैं। एफेमेरोप्टेरा और जाइगोप्टेरा में पहले 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में ये मिलते हैं। कोलियोप्टेरा में एक्वेटिक लार्वी में 6 से 10 पेयर एब्डोमिनल गिल्स होते हैं। डिप्टेरा में क्यूलिसिडी लार्वी में लैमेलेट और एनल गिल्स मिलते हैं। कॉडल गिल, ये जाइगोप्टेरन नियाड में ज़्यादातर 3 कॉडल गिल मिलते हैं, ये फिलामेंटस होते हैं। रेक्टल गिल, एनाइसोप्टेरन निम्फ में गिल रेक्टम के एंटीरियर पार्ट में मिलते हैं और ब्रैंकियल चैम्बर कहे जाते हैं। इसके अंदर रेक्टल गिल लैमेली होते हैं। गिल्स में बहुत सारे ट्रैक्यूल होते हैं। स्पाइराकुलर गिल्स, 1-2 जोड़े स्पाइरकल्स कभी कभी लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कुछ कोलियोप्टेरा और डिप्टेरन इंसेक्ट्स में मिलते हैं। ब्लड गिल्स, काइरोनोमस लार्वे जो डिप्टेरा के अंदर आता है इसमें एनल एंड में 2 जोड़े ब्लड गिल्स मिलते हैं। ये ज़्यादातर ऑस्मोरेगुलेटरी होते हैं। फिजिकल गिल्स, कुछ एक्वेटिक बग्स और बीटल्स के बॉडी तथा हाइंड लेग में हेयर्स होते हैं जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं तथा स्टोर भी करते हैं। इसके अलावे कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। ये स्पेशल डिवाइस होते हैं। नेपा में टर्मिनल रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है। हाइड्रोफिलस में मॉडिफाइड हेयरी एंटीनी होता है। क्यूलिसिड्स में साइफन के एपेक्स में स्पाइरकस होता है। नोटोनेक्टा और डाइटिस्कस में स्पाइरकस के चारों ओर हाइड्रोफ्यूज हेयर्स हैं जो पानी की सतह को सरफेस टेंशन के कारण फैला लेते हैं और एटमॉस्फेरिक एयर से कनेक्शन बन जाता है। प्लास्ट्रॉन, कुछ इंसेक्ट्स में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो एक पतले परमानेंट एयर फिल्म को शरीर के बाहर इस तरह से घेर कर रखती है कि गैसियस एक्सचेंज के लिए हमेशा पानी के ऊपर एक हवा का घेरा बना कर रखती है। इसी गैसियस फिल्म को प्लास्ट्रॉन कहते हैं। ट्रैकिया इसी ऑक्सीजन के पास खुलती है और ऑक्सीजन सीधे ट्रैकिया के सहारे टिश्यूज तक पहुंचता है। ये कुछ वाटर बीटल्स और बग्स में मिलते हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। ट्रैकिया सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला ट्रैकिया द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और दूसरा ट्रैकियोल द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रैकियल सिस्टम में स्पाइराकुलर ओपनिंग से डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा एंटर करते हैं। इसे एयर ट्यूब डिफ्यूजन कहते हैं। स्पाइरकल्स के खुलने और बंद होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल होता है। डिफ्यूजन कंट्रोल भी कई चीज़ों से प्रभावित होता है जैसे सेगमेंटल रेस्पिरेटरी या सिंपैथेटिक नर्व्स जो स्पाइरकल्स को खुलने और बंद होने में सहायता करते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो अंदर है। जब कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन ज़्यादा हो जाता है तो स्पाइरकल्स खुले ही रहते हैं। रेस्पिरेटरी साइकिल में 3 फेज होते हैं, इंस्पिरेटरी फेज, कंपेंसेटरी फेज और तीसरा एक्सपिरेटरी फेज। ट्रैकियल ट्रंक और एयर सैक के सिकुड़ने से इंस्पिरेटरी फेज में शरीर के अंदर से गैस ट्रैकियल सिस्टम से बाहर आते हैं और इसके फैलने से एयर अंदर आते हैं। हवा के अंदर आने से स्पाइरकस बंद होते हैं। सभी स्पाइरकस एक ही साथ बंद होते या खुलते नहीं हैं।
जैसे लोकस्ट में स्पाइरकल 1, 2 एंड 4 इंस्पिरेशन में और स्पाइरकल नंबर 10 एक्सपिरेशन में मदद करते हैं। ज़्यादा एक्टिव कंडीशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत अधिक होती है तो स्पाइरकल्स 5 to 10 भी एक्टिव एक्सपिरेशन या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रेकिया में ऑक्सीजन आने के बाद यह ट्रेक्यूल की तरफ आगे जाता है जहां आखिरी छोर पर ट्रेकियल फ्लूइड होते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं। यह फ्लूइड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाता है। यह एक सेक्रेटरी प्रेशर के कारण होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी टिश्यूज़ में चले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑक्सीजन से 36 टाइम्स यानी 36 गुना ज़्यादा होता है। इसी कारण हाई मॉलिक्यूलर वेट रहते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से जल्दी टिश्यूज से डिफ्यूज होकर बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई टिश्यू में हो पाती है। यह बात बहुत ध्यान देने की है कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर आया और ऑक्सीजन को अंदर जाने का मौका मिला। ये इसके हाई परमियबिलिटी कांस्टेंट के कारण है। बरोइंग एफेमेरोप्टेरेंस लार्वी में ऑक्सीजन इनटेक एब्डोमिनल गिल्स से, जाइकोप्टेरन लार्वी में कॉडल गिल्स से तथा एनाइसोप्टेरन लार्वी में रेक्टल गिल्स से होता है। पानी में ऑक्सीजन कम होने से या पानी का टेम्परेचर बढ़ने से वेंटिलेटरी फ्रिक्वेंसी या रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। लार्वा ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए वाटर सरफेस में भी आ जाता है और ब्रैंकियल चैम्बर से एयर पंप भी करते हैं। स्पाइरकल्स जब हाइड्रोफ्यूज हेयर से घिरे होते हैं तो वे बॉडी में पानी जाने से रोकते हैं। इसके अलावे बॉडी सरफेस, लेग्स और स्पाइरकुलर हेयर टेम्पररी एंड परमानेंट गैस गिल्स के हेयर या प्लास्ट्रॉन एक पतला गैस फिल्म बनाते हैं जिससे ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई ट्रेकिया में होती है। इस तरह एक्वेटिक इंसेक्ट में ट्रेकियल गिल्स और हेयर्स या प्लास्ट्रॉन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो आज हमने एक्वेटिक इंसेक्ट्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।